एनडीए काफ़ी मजबूत है और इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे जो चारों दल है उसमें इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे कि एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार प्रशासन के कई विभाग के साथ किया बैठक। देश की जनसंख्या विस्फोट पर कहा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा मुद्दा है, हमारे संसाधन सीमित है, जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर पड़ता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है। हम सब भी चाहते हैं कि यह सामाजिक अभियान के रूप में इसे लोग स्वीकार करें। जनसंख्या पर नियंत्रण करके जो हमारा संसाधन है और जो प्रकृति ने हमें दिया है उसमें सहयोग करें। क्या बिहार में जनसंख्या कानून लागू होगा? अभी तो सरकार और समाज की अपेक्षा है लोग जनसंख्या नियंत्रण में आवश्यक पहल करें, लेकिन जरूरत पड़ी तो कानून भी लाया जाएगा। जदयू बिखर जाएगा क्या? हमारे सहयोग दल और जनता दल उनसे विषय जुड़ा हुआ है। हम कहेंगे कि एनडीए काफ़ी मजबूत है, इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे जो चारों दल हैं उसमें इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं जिससे कि हमारी सरकार पर इसकी कोई असर पड़े। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को सरकार के पास जो विकासात्मक कार्यक्रम है उसमें सहयोग करना चाहिए, सहयोग में उन्हें कोई रुचि नहीं है। देश में कोरोना को लेकर जो परिस्थिति बनी, विपक्ष आलोचना के अलावा कोई भूमिका नहीं दिखाई है, उन्हें बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं है। एनडीए को विपक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। इसलिए तो लगता है कि संभव नहीं है, कोरोना संक्रमण का कारण जो है विपक्ष ही है, क्योंकि विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, तो मैंने सिंपल समझिए, सिलीगुड़ी में डेथ हुआ बॉडी को अभी तक ने समझ लिया उसको। आप उसको कैसे लेते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा मुद्दा है और हमारे संसाधन सीमित हैं, इसलिए अगर जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर पड़ता है और उससे फिर मानव जीवन के विकास पर भी वो प्रभावित करता है। इसलिए हम सब स्वयं चाहते हैं कि यह एक सामाजिक अभियान के रूप में हमारे लोग इसे स्वीकार करें और जनसंख्या पर नियंत्रण करके जो हमारा संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उसके विकास में जो प्रकृति ने दिया है, जो देश के उत्पाद हैं जिससे उसके जीवन के विकास में एक बड़ा सहायक हो, यह हम सबों की भी चिंता है। क्या बिहार में कानून ऐसा है? देखिए, अभी तो सरकार और समाज की अपेक्षा है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक पहल करें, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कानून भी लाया जाए। दीपक एक बार फिर जदयू पर पलटवार कर रहा है कि बिखर जाएगी जदयू।